टीका चढ़ाने आए वधु पक्ष को वर पक्ष ने दहेज की रकम को लेकर जमकर पीटा। उसकी बस में तोड़फोड़ की गई और इतना ही नहीं तीन लोगों को बंधक तक बना लिया। बाद में स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई और बंधकों को छुड़ाकर इलाज के लिए लाई। दरअसल मामला थाना रामगढ़ के सिद्धार्थ मैरिज होम से जुड़ा हुआ है, जहां एक लग्न टीका का कार्यक्रम चल रहा था। आरोप है कि इस कार्यक्रम के दौरान वर पक्ष ने दहेज की रकम बढ़ाने को कहा। इसी को लेकर वधु पक्ष और वर पक्ष में कहासुनी हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि देखते ही देखते पक्ष हाथापाई पर उतर आया और वधु पक्ष में बस में तोड़फोड़ तक कर दी। जो मिला उसे जमकर पीटा। इतना ही नहीं तीन लोगों को बंदी तक बना लिया। वही घटना की सूचना स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस को दे दी गई। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर बंधक बनाए गए लोगों को छुड़वाया और इलाज के लिए भेजा। वही पुलिस मामले की जांच कर कार्रवाई में जुटी है। खबर तो दिखेगी फिरोजाबाद से रविंद्र कुमार गौतम की एक रिपोर्ट। अशोक कुमार जी, यहाँ ये झगड़ा हुआ है आप लोगों से, किस बात को लेकर हुआ है, क्या पूरा मामला है? इस बात पर हमारी शादी में सजा होनी थी, खाली हमने ये कही थी जब देखने आए कि हमारा और सुन लीजिए, खाली ले लिया आप लोग माल आए और फिल्म नहीं बनवा करता पहले जो है, तुम्हें हमारे खाने पीने की व्यवस्था सब करेंगे। अब मैं इंतजार करता रहूंगा तुम्हारा। ये हमारी हमारी कोई गलती नहीं थी शादी में। तो एक अचानक क्या हुआ जो मारपीट तक की नौबत आ गई? अचानक ऐसा, हम सब सामान लाए थे। वो कहा लड़की का पिता? तो वो लड़के का पिता कहाँ है? तुम्हारे साथ और तुम्हारा भाई कोई आया है? भाई अभी तो सोनू ये बताइए, अंदर बंद किया था किन लोगों ने? बंद किया है तो मैं अंदर से शटर में बंद किया था। क्यों बंद किया था? किन किन लोगों ने बंद किया था? हैं, लड़के वालों ने? क्या वजह क्या है? वजह क्या थी? पैसे मांग रहे थे। कितने पैसे? क्या क्या मांग जाती थी आपकी? ये गाड़ी हमारी कुछ नहीं। सर कितने बड़ा आपका? सर भाई ने बड़े वाले ने। सर आगे सूचना आई थी 100 नंबर पे, मंडेट पर झगड़े संबंधी सूचना आई कि झगड़ा हो रहा है कोटला चुनी गई थे इस संबंध में। आपने आए क्या कुछ देखा आपने? यहाँ आए तो शादी के संबंध में गरेतिया और वरेतियों में हो रही थी, इनका विवाद हुआ है, इसी बात में झगड़ा हुआ है यहाँ पर शादी के संबंध। बताया जा रहा तोड़फोड़ भी की गई है, किन के द्वारा तोड़फोड़ की गई है, क्या पूरा मामला है? इसमें आवश्यक कार्रवाई की जा रही है, SHO रामगढ़ मौजूद है। बस भी तोड़ी है क्या? बस के शीशे टूटे हैं।